नमस्कार दोस्तों, दोस्तों फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल अनिल रॉयल पर। दोस्तों फिर से मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं डुप्लेक्स कोठी, शानदार कोठी रहेगी दोस्तों, 22x60 का डायमेंशन के साथ दोस्तों 150 गज की शानदार कोठी रहेगी दोस्तों डुकोली के अंदर, MS एनक्लेव के अंदर कॉर्नर की कोठी है दोस्तों। आप देख सकते हैं 30 फीट का हमारा इंटरनल रोड रहेगा, देख सकते हैं शानदार है। यहाँ पे मार्केट बिल्कुल पास में आ जाती है, शानदार एलिवेशन के साथ कोठी आपको मिलने वाले दोस्तों। एंट्रेंस देख सकते हैं शानदार गेट के साथ, ये गेट देखिए दोस्तों कितना शानदार लग्जरी हमारा गेट रहने वाला है। डुप्लेक्स 4BHK कोठी रहेगी दोस्तों, मन खुश हो जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो दोस्तों एंट्री करते ही ये देखिए, यह जाता है हमारा शानदार ब्लैक कलर का मार्बल टाइल्स यहाँ पे इस्तेमाल की गई है, ताकि आपके पोर्च एरिया की जो एक लुक है वो निकल कर आए। और मैं दिखाना चाहूंगा दोस्तों, जो वॉशिंग एरिया है वो हमारे दो रहेंगे, जी हाँ दोस्तों, फ्रंट एंड बैक में। बहुत बड़े बड़े साइज के दोस्तों हमारे वॉशिंग एरिया है, आप देख सकते हैं कितना शानदार तरीके से लाइट्स एंड बात करो दोस्तों सैनिटरी, बढ़िया तरीके से यहाँ पे हर एक चीज वो लगाई गई है। बात करो दोस्तों ये एलिवेशन की, आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से कलरिंग वगैरह यहाँ पे हो चुकी है। और ये देखिए दोस्तों, आप चाहे तो इस चीज को कवर कर सकते हैं एज ए स्टोर रूम, यहाँ पे आप बना सकते हैं, यानी कि आप यहाँ पे सिलेंडर इन्वर्टर एंड ऑल कुछ भी चीज यहाँ पे आप रख सकते हैं। अगर आपकी फैमिली छोटी है दोस्तों, आप रेंट आउट भी करना चाहते हैं, उस चीज का भी ध्यान रखा गया है। कैसे कि जो स्टेयर्स है वो बाहर की बाहर है, यानी कि जो आपकी प्राइवेसी है वो मेंटेन रहे, उस चीज का भी ध्यान रखा गया है। हम पहले एंट्री करते हैं हमारे ग्राउंड फ्लोर पे, दिखाते हैं आपको दो कमरे हमारे ऊपर रहेंगे। और हम एंट्री करते हैं दोस्तों, ये देखिए शानदार 8 फीट का डोर रहेगा, चौखाट देख सकते हैं दोस्तों शानदार। क्या बात है, आवाज सुन रहे हो, क्या बात है। अंदर एंट्री करते ही दोस्तों ये देखिए ओपन हमारी किचन आ जाएगी, और ओपन ही हमारा शानदार यहाँ पे ड्रॉइंग एरिया कम डाइनिंग एरिया आ जाएगा। आप स्पेस देख सकते हैं दोस्तों, 150 गज की हमारी ये डुप्लेक्स कोठी है दोस्तों। डाउन सीलिंग देख सकते हैं एलईडी लाइट के साथ, सेम एलईडी आपको दोस्तों ये मिलने वाली है। डाउन सीलिंग देख सकते हैं शानदार यहाँ पे मिलने वाली है, लाइटिंग फिटिंग एसी का प्रोविजन सब कुछ यहाँ पे मिलने वाला है। एक चीज और मैं दिखा देता हूँ दोस्तों, यहाँ पे देखिए कितने शानदार बड़े से ग्लास के साथ यहाँ पे आपको एक विंडो मिल जाती है दोस्तों। और साथ में ये देखिए, यानी कि ये वॉलपेपर नहीं है दोस्तों, पीवीसी, क्या बात है, पीवीसी की प्लेट यहाँ पे लगी हुई दोस्तों, ताकि आपकी जो कोठी है उसकी एक लुक है वो निकल कर आए। लग्जरी आपकी ये कोठी लगनी भी चाहिए। और टाइल्स देख सकते हैं दोस्तों, क्या बात है, शानदार यहाँ पे टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है। फ्लोरिंग आपकी अच्छी खासी यहाँ पे मिलने वाली है, एसी का प्रोविजन आपको मिलने वाला है दोस्तों। डाउन सीलिंग मैंने आपको बताई है, सेम एलईडी आपको मिलने वाला है। और किचन देखिए दोस्तों, अभी थोड़ी सी आपको आधी अधूरी लग रही होगी, वो चीज भी आपकी कंप्लीट करके दे देंगे दोस्तों जब आप यहाँ पे आएंगे। यहाँ दोस्तों स्पेस देख सकते हैं, पूरा घर भी खड़ा होकर यहाँ पे काम करेगा दोस्तों, तब भी स्पेस कम नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, जॉक्स पार्ट। और ये देखिए ब्लैक मार्बल का इस्तेमाल किया गया है दोस्तों, टाइल्स देख सकते हैं शानदार यहाँ पे टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है। डबल सिंक रहेगी साउंडलेस, और ये अपर कैबिन देख सकते हैं शानदार अपर कैबिन रहेंगे। और हाइड्रोलिक, क्या बात है, हाइड्रोलिक हमारी किचन रहने वाली है। और दूसरा ये देखिए लोअर कैबिनेट देख सकते हैं शानदार, क्या बात है, सॉफ्ट क्लोजर रहेंगे, क्या बात है शानदार। लग्जरी का मतलब होता है दोस्तों, लग्जरी आइटम्स भी होनी चाहिए उसमें, उस चीज का भी ध्यान रखा गया है। हम चलते हैं दोस्तों हमारे फर्स्ट बेडरूम में, ये देखिए दोस्तों यहां से आ जाता है हमारा फर्स्ट बेडरूम। और जो दोस्तों इसका वॉशिंग एरिया है ना दोस्तों, बड़ा मन खुश हो जाएगा, सेम एज इट इज आपको ये बेडरूम मिलने वाला है, सेमी फर्निश्ड आपको ये पूरी की पूरी कोठी मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, डाउन सीलिंग आप देख सकते हैं, सेम एज इट इज आपको डाउन सीलिंग मिलने वाली है। और वार्डरोब देखिए दोस्तों, शानदार यहाँ पे ग्लोसी में, मतलब कि वाटरप्रूफ आपको ये वार्डरोब मिलने वाली है HDMR की, ये देखिए क्या बात है, स्लाइडिंग के साथ आपको ये वार्डरोब मिलने वाली है। कैबिनेट देख सकते हैं नीचे भी है, और ऊपर भी अच्छे खासे यहाँ पे कैबिनेट मिल जाएंगे आपको। और दूसरा ये देखिए, ये स्पेस आपका बच जाता है ड्रेसिंग का, आप चाहे तो इस पे अपने तरीके से ड्रेसिंग बनवा सकते हैं। और ये देखिए वॉलपेपर नहीं है दोस्तों, पीवीसी पैनल की यहाँ पे सीट लगी हुई है, शानदार काम करके दिया है। क्यों? क्योंकि रहना हमने ही है, किसी और ने नहीं। एसी का प्रोविजन मिल जाएगा दोस्तों। और अटैच देखिए दोस्तों, ये आ जाता है हमारा
वॉशरूम शानदार, अरे बाप रे ड्रेसिंग एरिया अलग है, क्या बात है। ये देखिए दोस्तों शानदार यहाँ पे आप कैबिन मिल जाता है, बहुत बड़ा, क्या बात है, लग्जरी बहुत दोस्तों शानदार यहाँ पे, सच में रूह खुश हो जाएगी जब आप यहाँ पे विजिट करेंगे। और ये आपको वॉशरूम अच्छी खासी आपको सैनिटरी भी मिलने वाली है, डाउन सीलिंग देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे भी, वॉशरूम में भी डाउन सीलिंग मिलने वाली है। और हमारे किचन में से और इस बेडरूम में से भी एंट्री रहेगी दोस्तों हमारे वॉशिंग एरिया की, आप देख सकते हैं शानदार, जो मैंने आपको बताया था कि अच्छे खासे स्पेस में आपको वॉशिंग एरिया मिलने वाला है। यानी कि फ्रंट में मैंने आपको दिखाया वॉशिंग एरिया और ये हमारे बैक साइड में देख सकते हैं नेचर का कितना शानदार है, यहाँ पे लाइट प्रॉपर तरीके से सनलाइट मिल जाएगी आपको। ये हमारा जो किचन मैंने आपको दिखाया था वहीं से यहाँ ये एंट्री थी। अब चलते हैं दोस्तों हमारे मास्टर बेडरूम में, जो इसका साइज है दोस्तों, जो हमने ये बेडरूम देखा था 10x13 का इसका साइज है जो हमारा मास्टर बेडरूम है दोस्तों। मास्टर बेडरूम तो बस पूछो ना, इतना बड़ा मास्टर बेडरूम है 16x10 का, जी हाँ दोस्तों 16x10 का मास्टर बेडरूम है। ये देखिए पीवीसी पैनल, क्या बात है, आपको वॉलपेपर ही देखने को मिलेंगे होंगे हर कोठियों में, लेकिन यहाँ पे आपको पीवीसी पैनल मिलेंगे। वार्डरोब देख सकते हैं दोस्तों ऊपर से नीचे तक, ड्रेसिंग एरिया बिल्कुल अलग तरीके से बनाया है, कैबिन देख सकते हैं क्या बात है। और ये देखिए दोस्तों ये आ जाता है हमारे शानदार वार्डरोब स्लाइडिंग के साथ, अपर कैबिन देख सकते हैं शानदार अपर कैबिन रहने वाले हैं और पीवीसी पैनल दोनों वॉल पे रहेगा। ये देखिए जहां पे भी दोस्तों आपको पीवीसी पैनल मिलने वाला है, ये देखिए क्या बात है शानदार, यहाँ पे स्विचेज का इस्तेमाल किया गया। डाउन सीलिंग आपको दोस्तों सेम एज इज मिलने वाली है, देख सकते हैं एलईडी लाइट्स के साथ प्रॉपर लाइट आपको यहाँ पे मिलेगी, एसी का प्रोविजन मिलेगा और प्रॉपर तरीके से सनलाइट भी आपके मास्टर बेडरूम में आती रहे उस चीज का ध्यान रखा गया है। एक अच्छी खासी यहाँ पे आपको विंडो मिल जाएगी। ये स्पेस देखिए शानदार यहाँ पे स्पेस रहने वाला है, अटैच हमारा वॉशरूम मिलने वाला है, देख सकते हैं शानदार टाइल्स अच्छी खासी यहाँ पे बनाई कर दी गई है, सेरा कंपनी के दोस्तों यहाँ पे सैनिटरी रहने वाली है, वेंटिलेशन का प्रॉपर ध्यान रखा गया है। अब चलते हैं दोस्तों हमारे फर्स्ट फ्लोर पे और थर्ड बेडरूम और फोर्थ बेडरूम की तरफ। तो दोस्तों मैंने जैसा आपको बताया था, अगर आप रेंट आउट भी करना चाहते हैं उस चीज का भी ध्यान रखा गया है, क्यों, क्योंकि प्राइवेसी आपकी मेंटेन रहे उस चीज का ध्यान रखा गया है। ये देखिए दोस्तों ब्लैक कलर की यहाँ पे मार्बल बिछाई गई है और जो स्टेज है वो शानदार है दोस्तों, जो स्टील ये अपने स्टेनलेस स्टील है ये भी अच्छी खासी यहाँ पे लगाई गई है। और ये देखिए ऊपर आते ही क्या बात है, अच्छी खासी दोस्तों आपको स्पेस में यहाँ बालकनी मिल जाती है और जो आपका ये एरिया है ओपन एरिया शानदार रहने वाला है, आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे स्टेनलेस स्टील के साथ ग्लास वर्क अच्छे खासे दिया गया है ताकि जो एक लुक है आपकी कोठी की वो अच्छी खासी यहाँ पे निकल कर आए। आप देख सकते हैं यहाँ पे डाउन सीलिंग में भी प्रॉपर तरीके से लाइट प्रॉपर तरीके से आपको मिल जाती है और सेम एज चीज आपको पोर्शन मिलने वाला है, आप देख सकते हैं अच्छे खासे साइज में ये आपको गेट मिलने वाला है, यहाँ पे भी एक ग्लास वर्क के साथ आपको विंडो मिलने वाली है। और एंट्री करते हैं, क्या बात है, जो पोर्शन आपने दोस्तों नीचे देखा ना ग्राउंड फ्लोर पे सेम ऐसा ही यहाँ पे आपको मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों ये देखिए ड्रॉइंग डाइनिंग एरिया कितना अच्छा खासा स्पेस में आपको मिलने वाला है, प्रॉपर एलईडी लाइट के साथ ये डाउन सीलिंग मिलने वाली है, एसी का प्रोविजन मिलेगा दोस्तों। ये डाइनिंग एरिया आप देख सकते हैं, देखते ही रूह खुश हो जाएगी, कितने अच्छे खासे साइज में दोस्तों ये आपको टफन ग्लास के साथ प्रॉपर तरीके से एक विंडो मिलने वाली है। एल शेप में दोस्तों यहाँ पे ब्लैक मार्बल के साथ शानदार आपको किचन मिलने वाली है, क्या बात है, रूह खुश हो जाएगी, एक्चुअल में रूह खुश हो जाएगी। यहाँ पे भी दोस्तों हमारी जो किचन है वो अच्छी खासी स्पेस में बनाई गई है, सॉफ्ट क्लोजर, क्या बात है, कैबिन देख सकते हैं शानदार यहाँ पे कैबिन रहने वाले हैं। ये देखिए दोस्तों डाउन सीलिंग यहाँ पे भी आपको प्रॉपर तरीके से मिलने वाली है, चिमनी का प्रोविजन मिलेगा दोस्तों, आरओ का प्रोविजन मिलेगा, हर चीज का यहाँ पे आपको प्रोविजन मिलने वाला है। यहाँ पे एक विंडो आपको प्रॉपर तरीके से मिल जाएगी, जो सिंक है वो डबल सिंक रहेगा। और ये देखिए यहाँ से भी एंट्री दोस्तों आपकी गैलरी, क्या बात है शानदार, ये आपको वॉशिंग एरिया आ जाता है अच्छे खासे स्पेस के साथ। और यहीं से दोस्तों हम एंट्री करते हैं हमारे थर्ड बेडरूम में, जो आपने फर्स्ट बेडरूम देखा था सेम एज इट इज ये हमारा थर्ड बेडरूम रहने वाला है 10x13 का। ये देखिए क्या बात है शानदार, मतलब कि जो वार्डरोब है वो भी अच्छी खासी यहाँ पे आपको मिलने वाली है, एचडीएमआर की वार्डरोब रहेगी दोस्तों,
ग्लोसी रहेगी दोस्तों, ताकि जो एक दाग धब्बे हैं वो आसानी से मिट जाए, उस चीज़ का भी ध्यान रखा गया है। प्रॉपर तरीके से आपके वाटर प्रूफ रहेगी दोस्तों। एलईडी लाइट के साथ आपको डाउन सीलिंग मिलने वाले दोस्तों, एसी का प्रोविजन मिल जाएगा और अटैच हमारा दोस्तों ड्रेसिंग एरिया प्लस आपका वॉशरूम रहेगा। जैसे कि आपने थर्ड बेडरूम के बिल्कुल नीचे फर्स्ट बेडरूम देखा था, ये देखिए प्रॉपर तरीके से ये वॉशरूम आपको तैयार होके ही मिलेगा। और यहाँ से भी दोस्तों हमारा जो वॉशिंग एरिया है वहाँ से एंट्री रहेगी, जैसे कि अभी आपने किचन के अंदर से देखा था। और अब चलते हैं दोस्तों हमारे फोर्थ एंड फाइनल बेडरूम के अंदर। सेम एज इज दोस्तों आपको साइज में ये भी हमारा मास्टर बेडरूम रहेगा। जी हाँ दोस्तों, 4 BHK में दो तो दोस्तों हमारे मास्टर बेडरूम है, क्या बात है, देखते ही रूह खुश हो जाएगी दोस्तों। ये देखिए अपर कैबिन देख सकते हैं, और ये देखिए दोस्तों ये हमारा ड्रेसिंग एरिया आ जाता है। मिरर यहाँ पे लगा के दिया गया है प्रॉपर तरीके से, आप देख सकते हैं शानदार यहाँ पे डाउन सीलिंग आपको मिल जाती है, एसी का प्रोविजन मिल जाएगा शानदार स्पेस के साथ। 16x10 का यहाँ पे आपको मास्टर बेडरूम मिल जाएगा। और ये देखिए यहाँ पे एक बिल्कुल कॉर्नर टाइप में दोस्तों एक अच्छे खासे साइज में यहाँ पे आपको एक विंडो मिल जाती है, ताकि वेंटिलेशन तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन सनलाइट प्रॉपर तरीके से यहाँ पे आपको बेडरूम में मिलते रहे, इस चीज का ध्यान रखा गया है। और ये देखिए दोस्तों अटैच हमारा वॉशरूम रहेगा अच्छे खासे स्पेस के साथ। अभी से एंट्री लगनी बाकी है, आप फाइनल कीजिए और फटाफट आइए, फटाफट ये कोठे अपने नाम करेंगे तो ये सारे के सारे जितने भी कमियां हैं वो कंप्लीट हो जाएगी। लोकेशन मैंने आपको बता दी दोस्तों, MS एनक्लेव डोकोली के अंदर। MS एनक्लेव का गेट सिर्फ और सिर्फ 400-500 मीटर की दूरी पे है। कालका शिमला हाईवे 1 किलोमीटर की दूरी पे है। मॉल बिल्कुल साथ में दोस्तों, पार्स ऑफ डाउनटाउन बिल्कुल पास में ही है। अगर मैं बात करूँ 1 किलोमीटर की दूरी पे, सारी की सारी कनेक्टिविटी पास में दोस्तों। सबसे अच्छी बात क्या है कि कॉर्नर की कोठी है, दो कोठियां दोस्तों। स्टार्टिंग प्राइस में बता देता हूँ 1,25,00,000। जी हाँ दोस्तों, ड्यूप्लेक्स कोठी 4 BHK 1,25,00,000 में आपको ये मिल जाएगी। देरी ना कीजिए दोस्तों, फटाफट आइए और फटाफट ये कोठी अपने नाम कर लीजिए। मिलते हैं एक ऐसी ही बेहतरीन वीडियो के साथ, एक ऐसी ही बेहतरीन प्रॉपर्टी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।